चुनावी गहमा गहमी का माहौल है, इसमें बात करें लोकसभा क्षेत्र के वर्ग किलोमीटर की, तो सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में लद्दाख का नाम सामने आता है। हिमालय की वादियों में बसा ये शहर लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का पड़ोसी देश मालदीव 300 वर्ग किलोमीटर से भी कम में बसा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध हांगकांग का इलाका भी 1100 वर्ग किलोमीटर तक नहीं पहुंचता। यदि आकार के लिहाज से देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सामने आता है लद्दाख का नाम। हिमालय की वादियों में बसा ये लोकसभा क्षेत्र 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा यानी LOC पर बसा ये लोकसभा क्षेत्र कारगिल की रणभूमि भी था। प्रशासनिक दृष्टि से ये दो जिलों कारगिल और लेह में बसा है। हिमाच्छादित वादियां इतनी सुंदर कि सारी दुनिया के पर्यटक सुकून की तलाश में यहां चले आते हैं। हालांकि कारगिल युद्ध के बाद से ही यहां माहौल अस्थिरता का है, ये भी कारगिल युद्ध का ही प्रताप कहा जा सकता है। यहाँ 2004 में बतौर निर्दलीय सांसद लोकसभा में पहुंचे थुपस्तान छेवांग 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते पहली बार कमल खिला। भारतीय जनता पार्टी के थुपस्तान छेवांग निर्वाचित हुए। हालांकि उनका और भाजपा का नाता लंबा नहीं रहा और उन्होंने 2018 बीतने से पहले ही पार्टी छोड़ दी। वैसे छेवांग ने 2014 का चुनाव महज 36 वोटों से ही जीता था। तब उनका मुकाबला निर्दलीय गुलाम रजा से हुआ था। ये सीट कभी किसी दल विशेष से बंधी नहीं रही, कभी कांग्रेस तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कभी निर्दलीय उम्मीदवार यहां से लोकसभा में पहुंचते रहे। देश में महिला नेतृत्व को सामने लाने की बातें तो बहुत देरी से की जाती है, लेकिन इस क्षेत्र ने बात पर अमल किया। 1977 में यहां से पार्वती देवी सांसद बनी थी। उन्हें मिलाकर इस क्षेत्र में 5 बार कांग्रेस का झंडा लहराया तो 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का, 2 बार निर्दलीय ने भी बाजी मारी। 2014 में हुए विधानसभा के चुनाव में यहां की 4 सीटों में से 3 लेह कारगिल व नोबरा पर कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए थे। 4थी सीट जानासकर निर्दलीय के खाते में गई। इस क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या भी लगभग 2.25 लाख ही है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर 1 मतदाता का औसत बनता है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.